ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हम लोग श्रीमद्भागवत के सातवें स्कंद का चौथा अध्याय से श्लोक संख्या 18 पे विचार करेंगे। शैलाः द्रोणी भी आक्रीडम सर्व रितिषु गुणान् द्रुमाः दधार लोकपालानां एकः एव पृथक् गुणान्। शैला पर्वत तथा पहाड़ियाँ, द्रोणी भी बीच की घाटियों सहित, आक्रीडम हिरण्यकश्यप की क्रीड़ा स्थली, सर्व सभी ऋतिषु सभी ऋतुओं में, गुणान विभिन्न प्रकार के गुण, फल तथा फूल, द्रुमाहा पौधे, दधार संपन्न किया, लोकपालानाम विभिन्न विभागों के लिए अध्यक्ष, एकः अकेला, एव निसंदेह पृथक भिन्न, गुणान गुण। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री विग्रह जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की यह पर्वतों के मध्य की घाटियाँ हिरण्यकश्यपु की क्रीड़ा स्थली बन गईं, जिसके प्रभाव से समस्त पौधे सभी ऋतुओं में प्रचुर फूल तथा फल देने लगे। जलवृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना जो विश्व के तीन विभागाध्यक्षों अर्थात इंद्र वायु तथा अग्नि के गुण हैं, वे अब इन देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकश्यपु द्वारा निर्देशित होने लगे। कृपया दोहराइए, पर्वतों के मध्य की घाटियाँ हिरण्यकश्यपु की क्रीड़ा स्थली बन गईं, जिसके प्रभाव से समस्त पौधे सभी ऋतुओं में प्रचुर फूल तथा फल देने लगे। जलवृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना जो विश्व के तीन विभागाध्यक्षों अर्थात इंद्र वायु तथा अग्नि के गुण हैं,
वे अब इन देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकश्यपु द्वारा निर्देशित होने लगे। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। ये भौतिक जगत अग्नि, जल तथा पृथ्वी के द्वारा संचालित है और ये सब मिलकर आकार ग्रहण करते हैं। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि तीन प्रकार के गुण, पृथक गुणान, पृथक पृथक देवताओं के निर्देशन में काम करते हैं। उदाहरणार्थ, इंद्र पर जल वृष्टि का भार है, वायु देवता वायु को वश में करके जल को सुखाते हैं और अग्नि देवता प्रत्येक वस्तु को जलाते हैं। किंतु हिरण्यकश्यपु अपने योग बल से इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने देवताओं से किसी प्रकार की सहायता लिए बिना अकेले ही सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशे तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गौर पूर्णिमा के आनंदोत्सव के पश्चात अभी भी हम लोग चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को महावदान्यावतार कहा गया है, अर्थात सबसे अधिक उदार, सब अवतार सारे शिरोमणि केवल आनंद कंद। सभी अवतारों के शिरोमणि मुकुटमणि चैतन्य महाप्रभु हैं और उनका जो ये हरे कृष्ण अभियान है केवल आनंद कंद। कीर्तन करें, नर्तन करें, नाचें, प्रसाद ग्रहण करें और फिर से हम नर्तन कर सकते हैं। 1972 में एक बार श्री प्रभुपाद ने मुझसे मायापुर में बताया, चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण दोनों ही प्रेम प्रदाता हैं, परंतु अंतर ये है कि भगवान कृष्ण ने हम लोग को ये आदेश दिया, पहले इसका हम पालन करें तब वो सर्व पापों से मुक्ति करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच। परंतु गौरांग महाप्रभु ने ऐसा कुछ नहीं, सबको कृष्ण प्रेम का वितरण किया। प्रभुपाद ने एक और उदाहरण दिया कि जिस तरह से एक उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश है, वो यदि जब तक न्यायालय में कोर्ट में रहता है तो यदि उसका पुत्र भी होगा तो भी उसको मर्यादा, उनके आगे एक विशेष संबोधन जो कि पहले अंग्रेजी में मी लॉर्ड योर ऑनर ऐसे कहते थे, वो संबोधन उसे करना ही पड़ेगा भले ही उसका पुत्र हो। परंतु वही जज जब अपने घर आते हैं तब बालक जो है उनका पुत्र उनसे अपने मन के अनुसार चर्चा कर सकता है, उनका संबोधन कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण घर के अंदर हैं, घर में हैं, तो उनकी कृपा का लाभ सब लोग ले सकते हैं। जबकि भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया है
उसका पालन करने के पश्चात, अर्थात वो जो है न्यायाधीश न्यायालय के अंदर हैं और उनके साथ हमें संभ्रमतापूर्वक मर्यादापूर्वक उनके आदेश का पालन करके ही हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सातवां स्कंध है इसका आरंभ ही मैं हम लोग देख चुके। महाराज परीक्षित ने दो प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी से। प्रथम कि जब भगवान ने दैत्यों का संहार किया इंद्र के दुश्मनों का, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो परमात्मा हैं, सखा हैं, सबके रक्षक हैं, परंतु फिर भी वो कुछ पक्षपात कर रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा कि सबके सुहृद कौन हैं, भोक्ता राम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। ये शांति प्राप्त करने का उपाय, भगवान जो हैं सब जो यज्ञ हैं उसके भोक्ता हैं, सब जीवात्माओं के सुहृद हैं, ये नहीं कि भक्तों के प्रति और दैत्यों के प्रति उनके मन में कोई भाव है, वो अद्वयी हैं। क्योंकि आसक्ति अनासक्ति, शत्रुता मित्रता, ये प्रकृति के गुणों के कारण हमारे इस बद्ध शरीर पे को प्रभावित करते हैं, परंतु कृष्ण जो हैं वो अद्वयी हैं, उन पे इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई वर्ष पहले हम लोग के भगवत दर्शन में मुख पृष्ठ पे एक चित्र बना था जिसमें तीन रंग की कठपुतलियाँ थीं, पीले रंग की, लाल रंग की और काले रंग की, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उनके ऊपर भगवान कृष्ण हैं जो कि कठपुतलियों को नचा रहे हैं। तो यद्यपि भगवान ने ही इन गुणों की रचना की है, यहाँ तक कि शाश्वत काल, भगवान गीता में कहते हैं कालोऽस्मि, को भी उन्होंने ही उसकी सृष्टि की है, परंतु काल उससे प्रभावित नहीं होते। काल के नियंत्रक कृष्ण हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज ने शिशुपाल के संबंध में किया कि ये कैसे संबंध था कि कृष्ण के प्रति इतना शत्रुता का भाव रखते हुए भी उसको सायुज्य मुक्ति मिली। उस मुक्ति के लिए, इसके लिए मायावादी लोग इतना प्रयास करते हैं। तो भगवान ने बताया कि कृष्ण फिर उनके लिए भक्तों का रक्षा करना, परित्राणाय साधूनाम अविनाशाय या दुष्कृताम, दोनों ही एक ही स्तर पे हैं। तो शिशुपाल यद्यपि शत्रुता के भाव से भगवान को नित्य वो दुर्वचन कहते थे, परंतु फिर भी क्योंकि भगवान का वो चिंतन कर रहे थे, यद्यपि वो चिंतन भक्ति के अनुकूल नहीं है। उत्तमा भक्ति का लक्षण श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भगवान अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का चिंतन करना है। कंस, रावण ये सब प्रतिकूल भाव से कृष्ण का चिंतन करते थे, इसलिए उनको भक्त नहीं माना जाता, मगर फिर भी सबको मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये सायुज्य मुक्ति शिशुपाल को भगवान के द्वारा प्रदान करना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। शिशुपाल की कथा फिर हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी के चार कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते थे, और यद्यपि वो मरीचि आदि जो ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र हैं उनसे आयु में वरिष्ठ थे, परंतु फिर भी उनको लगभग 4-5 वर्ष के बालकों के समान दिगंबर वेश में वो इधर उधर भ्रमण करते थे। भ्रमण करते जब वैकुंठ लोक में पहुँचे तो जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे उन्होंने रोक दिया कि आप वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
तो सनातन आदि इन कुमारों ने कहा कि तुम कैसे हो जो तुम्हारे मन में अभी भी रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जो है वो परिलक्षित होता है, तो तुम लोग जो मधु द्विष है, मधु राक्षस के जो शत्रु हैं भगवान श्री विष्णु, उनके चरणारविंद का आश्रय लेने के योग्य नहीं हैं। अतः तुमको हम लोग श्राप देते हैं कि तुम उनकी सेवा से वंचित होकर के पृथ्वी लोक में जाओ। उसमें मगर जब उन लोगों ने क्षमा मांगी अपने अपराध के लिए, तो उनका अच्छा दो प्रकार की शर्तें हैं, या तो तुम सात जन्म विष्णु भक्त के रूप में लो, या तीन जन्म जो है असुरों के रूप में। जयवीर ने सोचा कि यदि हम भक्त के रूप में जन्म लेंगे तो उतने समय तक हम फिर भगवान विष्णु की सेवा से वंचित रहेंगे, तो वो असुर के रूप में उन्होंने उसको स्वीकार किया। और वही जय विजय जो हैं, जहाँ से इसकी कथा आरंभ होती है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष सतयुग में, रावण कुंभकर्ण जो है त्रेता में, और शिशुपाल और दंतवक्त्र जो हैं वो द्वापर के अंत में, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने उसका जन्म लिया। तो सनक सनंदन सनत कुमार जो शुरू से ब्रह्मज्ञानी थे, वे भी भगवान के चरणों में, जैसे हम लोग यहाँ चरण तुलसी अर्पण करते हैं, तो चंदन से मिश्रित तुलसी जब अर्पण की गई और जब उनकी सुगंध उन्होंने ग्रहण किया, तो सुगंध से आकर्षित होकर के भगवान विष्णु के पास पहुँचे और वो उनके उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया। दूसरा उदाहरण सुखदेव गोस्वामी हैं, जो कि जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। जन्म ग्रहण करते ही वो जंगल की ओर भागने लगे। ऐसा ब्रह्मज्ञानी भी जब व्यासदेव के अन्य शिष्य लोगों ने भगवान का कृपामृत का जो वर्णन किया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम वा जिज्ञानसिवी जो यद्यपि असाध्वी लेबे गतिम धात्र उचिताम कि मन्य कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे बड़े के दयालु को छोड़ के अन्य किसी की शरण हम कैसे लें, जिन्होंने कालकूट विष लगाए, अहो बकी, बकी मतलब बकासुर की जो बहन थी, उसमें भगवान का हत्या करने के लिए लगाया, और असाध्वी थी, फिर भी भगवान ने उसको अपनी धात्री जो गति यशोदा मैया को दिया, देवकी जी को दिया, वो गति उनको प्रदान की। तो ऐसे दयालु को छोड़ करके हम किसकी शरण लें। तो सुखदेव गोस्वामी ने सुना, बोले अरे ये श्लोक कहाँ से तुम लोग को मिला, बोले तो आपके पिताजी ने इसको रचना की है। तो बोले इसके आगे और कुछ, बोले और हमें कुछ नहीं, हमें यही श्लोक मालूम है। तो उनकी कृपा का अनुभव करके उनके मन में थोड़ा सा भगवान के प्रति जो आकर्षण जागृत हुआ, फिर कुछ दिनों पश्चात रूप माधुरी का वर्णन उन लोगों ने किया, बरहा पीडम नटवर वपु करणियों करणिकारम। वो सुन के सुखदेव गोस्वामी बोले, नहीं, जिन्होंने भी आपको सिखाया हमको उनके पास ले चलिए, हमारे पिताजी के पास ही। और प्रिय श्लोक सुन के वो भी महाभागवत सुखदेव गोस्वामी बने। तो तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो हमको, जो शुरू से ब्रह्मज्ञानी निर्विकार विशेषवादी लोग हैं, वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। भक्त लोग को ज्ञानी बनते कोई उदाहरण नहीं है, यद्यपि ज्ञान उनके पास अपने आप ही है। वासुदेव भगवती भक्त योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। भगवान वासुदेव के भक्ति करने से अपने आप ही बहुत जल्दी आशु जो है वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान क्या है, भगवान फिर गीता में समझाते हैं कि बहुनाम जन्माम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो जो वासुदेव हैं उनको ये हम जब साक्षात्कार कर लेंगे कि वही सब कुछ हैं, वो यथार्थ में ज्ञानी हैं, परंतु ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ हैं।
जिनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि भगवान कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं। फिर हिरण, आगे हम लोग ने ये भी देखा कि हिरण्यकश्यपु जब भगवान ने वरा अवतार लिया, हिरण्याक्ष वध किया, तब हिरण्यकश्यपु बहुत ज्ञानी के रूप में उन्होंने अपने भतीजों को, अपनी माँ दिति को और जो ऋषुभाना जो उनके भाई की जो वधू थी, सबको उपदेश दिया। उशिनर राजा का उदाहरण दिया, राजा सुयज्ञ किस तरह से उनकी विधवा पत्नी को ज्ञान दिया। मतलब दूसरों को ज्ञान देने में राक्षस लोग भी बहुत जो हैं चतुर होते हैं। कलिंग पक्षी का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे आखेट के द्वारा कलिंग पक्षी जो है वो आहत हुआ। मगर इन सब ज्ञान के पश्चात भी उनके मन में जो था अपने भाई का वध, भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उसने काम तपस्या करेंगे और बहुत घोर तपस्या किया। सब देवता लोग भी उससे जो है चिंतित होने लगे। तो ब्रह्मा जी उनके समक्ष गए, उनका हमको आप अमर कर दीजिए। तो बोले ये संभव नहीं है, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो मैं तुमको अमर नहीं कर सकता हूँ। तो उसने अपनी बुद्धि जितनी आसुरी बुद्धि जितनी चल सकती थी कि दिन में नहीं मरूँ, पशु से नहीं मरूँ, मनुष्य से नहीं मरूँ, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, किसी अस्त्रों से नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, सब बना करके उन्होंने जब ये वरदान प्राप्त कर लिया, तब ये उसे पूरे ब्रह्मांड को, जो कि ये श्लोक में हम लोग देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु का आतंक पूरे ब्रह्मांड में, ब्राह्मणों को उन्होंने कष्ट देना शुरू किया, सब देवताओं को उस पर अधिकार कर लिया सिवाय इन तीन देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हम लोग ये भी कथा जानते हैं किस कैसे भागवत में ही आया कि इन तीनों देवताओं में का परीक्षण किया गया कौन श्रेष्ठ हैं भृगु ऋषि के द्वारा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को जो था वो मन से अपराध किया, प्रणाम नहीं किया। शिव जी के पास गए तो उन्होंने कहा अरे श्मशान में निवास करते हो, और जब आलिंगन के लिए आगे दौड़े उनका नहीं, तुम्हारे स्पर्श हम नहीं करेंगे। तो शंकर जी को गुस्सा आया, त्रिशूल लेके दौड़े, तो पार्वती जी इनको समझाया। अंत में भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु जो हैं विश्राम कर रहे थे, और जाते उन्होंने छाती में उनके लात मार दी। फौरन भगवान विष्णु उठ खड़े हुए कि हमें आप क्षमा करें, मुझे ज्ञान नहीं था कि आप आ रहे हैं, मैं आपके स्वागत के लिए तत्पर नहीं हो सका। वो जो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लाल। तो जो गुणवंत मनुष्य है जिनमें वास्तव में गुण हैं, चैतन्य भागवत में आता है कि गुणवंत मनुष्य और फलवंत वृक्ष, वो वृक्ष जिसमें फल लगा हुआ है और वो व्यक्ति जिसमें जो गुणों का सागर है, वो अपने आप विनम्र नम्र हो जाते हैं। ये नम्रता की पहचान है, जिसमें जितना अधिक गुण होगा वो नम्र हो जाएगा। अंत में देवता लोग काफ़ी जब चिंतित हुए तो भगवान विष्णु उनको आश्वासन दिया कि बहुत शीघ्र मेरा भक्त महाभागवत प्रहलाद महाराज जन्म लेंगे और उनके प्रति अपराध करने के कारण हिरण्यकश्यपु का नाश होगा। तो तपस्या के प्रभाव में जो बताया गया, तो इसमें शैला शब्द जो है वो शैल या पर्वतों के लिए यूज़ होता है। शैलजा पार्वती जी का नाम है, जो पर्वत जिनके हिमवान उनके पिताजी थे, और पर्वत के रूप में जैसे हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में भी जब महाप्रभु भावावेश में रहते थे तो चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे और धाइया चले अर्तनाद करिया क्रंदने। जो समुद्र किनारे जो रेत बालू रहती है उसको चटक पर्वत, पर्वत टाइप पर के आकार का पिंड बन जाता था, उसे गोवर्धन मान के, क्योंकि महाप्रभु की जो गंभीरा लीला है उसमें हमेशा वो उन्होंने कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया। हम लोग उनका बाह्य कारण और अंतरंग कारण काफ़ी विस्तार से पहले श्रवण कर चुके हैं, परंतु जिस प्रकार से राधा रानी भगवान कृष्ण का वियोग अनुभव करती हैं,
उसको आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य रूप से जो है अवतार लिया है। महाप्रभु चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। जैसे वो विलाप करती थी कि कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ करूँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कही बो केवा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। इस तरह से कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के बिना मेरी छाती जो है विदीर्ण हुई जा रही है, तो स्वयं उन्होंने उसका आस्वादन किया आचार्य के रूप में, आचरण के द्वारा हमें शिक्षा दी। गुड़ वाली कथा आप लोग को मालूम है, उसमें किस तरह से उन्होंने स्वयं महात्मा जी ने गुड़ खाना छोड़ा तब उस बालक को कहा। इसी प्रकार अपने आचरण के द्वारा हमें जो है लोगों को शिक्षा देनी है। तो द्रोणी भी कहते हैं, जैसे जो लोग बरसाना गए हैं दो पर्वत मिलते हैं तो सांकड़ी गली, तो उसी प्रकार से दो पर्वतों के मध्य स्थल जो इससे होता है उसे द्रोणी भी, विज्ञान के जो अध्ययन किया है, जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो एक तरह का उसको हम कीप या फनल कहते हैं जो ऊपर से चौड़ा और पतला रहता है। तो सांकड़ी गली का उदाहरण है कि किस प्रकार भगवान की जो प्रेम का मार्ग है वो भी बहुत सकरा है। श्री प्रभुपाद ने एक बार कहा कि अधिकतर हमारे जो शिष्य हैं वो अन्याभिलाषिता पूर्णम हैं। रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मानावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। बोले हमारे भक्त लोग जो हैं वो अन्य अभिलाषाओं से शून्य होने के बजाय पूर्ण हैं, कुछ सब नहीं। और बोले जैसे कोई सेवा करता है, अब तो खैर साधारण हो गया है, उसके प्रति हमें कुछ चाहिए, उसके बदले जैसे व्यापारी को कुछ चाहिए, तो प्रभुपाद ने कहा 1976 की बात है कि देखो उस समय हम लोग की पुस्तकें 20 लाख रुपए रोज के हिसाब से वितरित हो रही थी 1976 में। श्रील प्रभुपाद बोले कि देखो लेखक के रूप में यदि हम कोई रॉयल्टी लेते होते 10% भी, तो 2 लाख रुपए जो हैं वो नित रोज के हुए, परंतु नहीं, हम लोग प्रत्येक धन का उपयोग कृष्ण की सेवा में कर रहे हैं। और यही विशेषता है कि भगवान जो हैं उनकी सेवा में कोई चीज़ अर्पण करने से वो कभी भक्त जो है वो उसकी हानि या घाटे में नहीं रहता। सदमा ब्राह्मण का भी उदाहरण है, 3 मुट्ठी चावल दे करके पूरे विश्व की उनकी संपत्ति प्राप्त कर ली। तो सभी प्रकार के ऋतुओं में ये वर्णन है कि हिरण्यकश्यप के भय से ऋतुओं में फल फूल आने लगे। और गुणान शब्द जो आया है, विभिन्न प्रकार के गुण फल तथा फूल। गुण शब्द का कई अर्थ होता है, जैसे हम गुण अवगुण इस विषय में भी अभी हम लोगों ने चर्चा किया, और गुण का अर्थ रस्सा रस्सी भी होता है। तो प्रकृति के तीनों गुण जो हैं, प्रकृति क्रियमाणि गुण कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कर्म होते हैं, परंतु जो विमूढ़ आत्मा है वो अपने को कर्ता मानता है। तो हर लोकपाल का जब शब्द आया है लोकपाला नाम, तो सब लोगों के एक अध्यक्ष या कहना चाहिए प्रभारी हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं। वृष्टि कराना इंद्र का कार्य है, जो ने भगवान के ऊपर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। उसी प्रकार जो जल को सुखाना है उसके अधिकारी हैं वायु देवता, वायु के द्वारा उसको सुखाते हैं। और अग्नि जो है वो प्रत्येक वस्तु को जल कर देती है। तो जिस प्रकार से लोकपाल हैं उसी प्रकार से दिक्पाल भी होते हैं, दिशाओं के स्वामी। 4 मुख्य दिशाएं हैं, फिर 4 सहायक दिशाएं,
ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य और धरती तथा पाताल, इसका 10 दिशाएं हैं, इनके भी प्रभारी दिक्पाल हैं। और आजकल हमारे आधुनिक युग में भी लोकपाल शब्द बहुत प्रचलित हो गया है। इसके विधेयक बने हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उनके विपरीत कार्य किया जाएगा। लोकपाल विधेयक बना, परंतु वो भी असफल रहा, क्योंकि जो हमारे नेता लोग हैं या जो हमारे शीर्षस्थ समाज के लोग हैं वो भगवान के भक्त नहीं हैं। चरित्र उनका वही है, क्योंकि बिना भक्त बने हम जो हैं अपने चरित्र की प्रगति नहीं कर सकते। जब तक हमारे नेता लोग, हमारे गुरु भाई बलवंत प्रभु थे अमेरिका में अटलांटा में, उन्होंने पार्षद मेयर का चुनाव लड़ा और हम लोग का जो चुनाव का वो था मैनिफेस्टो कि मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं। तो जब आपस में अभ्यर्थी लोग चर्चा करते थे तो वो पूछते थे, देखिए उनके जो दूसरे के अभ्यर्थी कैंडिडेट हैं वो धूम्रपान कर रहे हैं, तो बोलते थे आप जानते हैं ये दुर्व्यसन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? बोले हाँ। बोले कि आप चाहेंगे कि आपको जो लोग वोट देते हैं वो भी धूम्रपान करें? बोले नहीं। तो बोले फिर आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप जो हैं वो वंचक हैं, धोखेबाज हैं। इस प्रकार से आपस में जब तर्क होता था उनको पराजित करते थे, और चुनाव हुआ तो हम लोग को भी कुछ उनको वोट मिले, मगर श्री प्रभुपाद बोले इसमें कोई आपको हताश होने की बात नहीं है, जो भी लोगों ने सुना है निश्चय ही वो आप उनको लाभ हुआ, उनको प्रसाद वितरण किया गया और वो अंत में जो है वो लाभ प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार से जो ये दिक्पाल लोकपाल हैं, जब तक वो एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जैसे जैसे नाचाए तैसे करे नृत्य, तो एक ईश्वर जो हैं वो श्री कृष्ण हैं और सभी उनके भृत्य हैं, लोकपाल, दिक्पाल, देवता। ब्रह्मा, भगवान गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो हम ब्रह्मलोक तक भी चले जाएं, वहाँ भी जन्म मृत्यु के चक्र से हम नहीं छूट सकते हैं, और हमारे गंतव्य पर निर्भर करता है। यान्ति देवे व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता, जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवलोक में जाएंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितृलोक में जाएंगे, जो भूतों की पूजा करेंगे वो भूतलोक में जाएंगे। परंतु भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे पास आएंगे, और उनके पास आने का जो परिणाम बताया, माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करके फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म को जो है अंत करने के लिए भगवान फिर कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे इस जन्म कर्म को, ये मेरे इस चरित्र को तत्व से जान सकता है, तत्वतः, तत्व से कैसे जान सकते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावन चाष्टमी तत्वतः, भक्ति के मार्ग से हम जो हैं वो श्री कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं, और उनके जानने का परिणाम ये होगा कि फिर से ये जन्म हमें नहीं प्राप्त होगा। नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज भूणवते। श्री शंकराचार्य ने समझाया फिर से जन्म लेना, फिर से मरण होना, फिर से माँ के गर्भ में प्रवेश करना, ये चलता ही रहेगा जब तक हम, तो कहते हैं अरे मूढ़मति, अरे मूर्ख बुद्धि वाले अपने को कहते हैं कि गोविंद का भजन करो, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। तो हिरण्यकश्यप यहाँ पे जो इतना अधिक योग बल से शक्तिशाली हो गया कि बिना देवताओं की सहायता के ही वो जो इंद्र वायु अग्नि के गुण हैं उनके द्वारा वो नियंत्रित होने लगा, परंतु उसकी शक्ति का भी कुछ लाभ नहीं उसे प्राप्त हुआ। और यद्यपि
उन्होंने देवताओं को विस्थापित किया, परंतु हम आगे आप लोग देखेंगे किस प्रकार से हिरण्यकश्यपु को वध करने के लिए उसके वरदान, ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करते हुए नृसिंहदेव भगवान प्रकट हुए। तो यदि किसी कोई शंका या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स। जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। ग्रंथा श्रीमद्भागवत की जय। गौर महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे।